नमस्कार, शिवानीज राजस्थानी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चटपटे नमकीन कॉर्न। वैसे तो आपने आइसक्रीम कॉर्न बहुत खाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे नमकीन कॉर्न। और रेसिपी को शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमकीन कॉर्न को बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले 1 कप मैदा, 1 चम्मच सूजी, हमने नॉर्मल घर में काम आने वाली चम्मच काम में ली है, 1 पिंच मीठा सोडा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों के बीच में रख के मसल करके यूज में लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। हमें इन सभी को आटे में मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद में हमें आटे को इस तरीके से चेक करना है। अगर आपके लड्डू बन रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी आटे में बिल्कुल सही है। अब हम मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा लेंगे। हमें आटा मीडियम सॉफ्ट लगाना है, ना तो हमारा आटा बहुत ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही सॉफ्ट। अब हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटे को मथ लेंगे। हमें 4 से 5 मिनट तक आटे को इस तरीके से मथ करके तैयार कर लेना है। हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम हमारे नमकीन कॉर्न के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमने लिए हैं 2 बॉईल आलू। आलू को हम मैश कर लेंगे। अब हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के गरम हो जाने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और 1 कटा हुआ प्याज। हमने प्याज बारीक काटे हैं। प्याज के लाइट गोल्डन हो जाने पर हमें इसमें डालनी है 1 कटी हुई हरी मिर्च। हमें हरी मिर्च को भी बारीक कट करना है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया। हरे धनिए को हमने अच्छे से धो करके बारीक कट कर लिया है। सभी मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, जिन्हें हमने पहले ही मैश कर लिया था। अब हमें मसाले में डालना है सिकी हुई मूंगफली के दाने, दो चम्मच धनिए की चटनी, और थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी। आप धनिए की चटनी और मीठी इमली की चटनी को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारा मसाला बनकर हो चुका है तैयार। और अब हम तेल को भी गैस पर चढ़ा देते हैं। आटे को भी 15 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसके कॉर्न बना लेते हैं। हमने आटे को 2 पार्ट्स में कर लिया है और अब हम 1 पार्ट की लोई बना लेंगे। हमें इस तरीके से लोई बना लेनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, उसके बाद में हम लोई की पतली रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें रोटी को पतला बेलना है। हमारी रोटी बनकर हो चुकी है तैयार। अब हम इसमें छेद कर देंगे। हम फॉर्क या फिर नाइफ की हेल्प से पूरी रोटी के ऊपर हमें छेद कर लेने हैं और रोटी को हम बीच में से कर लेंगे कट। अब हम इसके कॉर्न बनाएंगे। हमें रोटी की बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेना है।
अब हम रोटी को फोल्ड करके उसके ऊपर भी पानी लगा लेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा प्रेस करके इसके जॉइंट्स को बंद कर देना है, जिससे फ्राई करते टाइम हमारा कॉल खुल ना जाए। हमारा कॉर्न बन चुका है, हम दूसरा कॉर्न भी इसी तरीके से बना लेंगे। हमें इस तरीके से हमारे सभी कॉर्न बना लेने हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न। हमें इस तरीके से सीधा खड़ा करके कॉर्न को डालना है, उन्हें लेटाना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमें 3 से 4 कॉर्न एक साथ फ्राई करने के लिए रखने हैं, जिससे कॉर्न को सपोर्ट मिल जाए, नहीं तो कॉर्न गिर जाएंगे। थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद में अगर कॉर्न गिर भी जाते हैं तो वो बंद नहीं होंगे, तो हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें केयरफुली सीधा खड़ा करके रखना है। हमें कॉर्न को फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे कॉर्न 20 से 25 मिनट में फ्राई होकर तैयार होते हैं, हमें लो फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। और हमारे कॉर्न पक कर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। कॉर्न को लो फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और हमारे सभी कॉर्न बनकर हो चुके हैं तैयार, अब हम इसमें मसाला फिल कर लेंगे। हम सबसे पहले कॉर्न में हमारा आलू का मसाला डालेंगे। अब हमें इसमें ऊपर से डालने हैं थोड़े से प्याज। टमाटर, हरी मिर्च, इन सभी को हमें बारीक कट करना है। थोड़ा सा हरा धनिया और मूंगफली के दाने। हमें इस तरीके से हमारे सभी कॉर्न बनाकर तैयार कर लेने हैं। और हमारे नमकीन कॉर्न बनकर हो चुके हैं तैयार, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और मेरी रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।